बच्चों ने जो भी प्रेजेंटेशन दिए, जो नाटक उन्होंने पेश किए, वो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से और इतनी शोध और सोच के साथ उन्होंने दिए, ये सच में काबिले तारीफ है। क्योंकि इस उम्र में इतने गहरे, इतने गंभीर विषयों पर सोचकर, उस पर अपनी क्रिएटिविटी के साथ में उस घटना को, उस थीम को, उस विचार को पेश करना, ये काफ़ी कठिन होता है। सर देखा जाए, बहुत बढ़िया। हाँ सर, देखा जाए ये थिएटर एक बहुत ही सुखम आर्ट है, बहुत ही बोलता संजीदगी वाला आर्ट है, जिसमें बहुत ही आइसोलेशन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत शोर है, डिस्टर्बेंस है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, शोर के बीच में भी अपनी बात कहना ये महत्वपूर्ण होता है, चाहे बाहर कितना भी डिस्टर्बेंस हो। लेकिन मेरे किसी भी बच्चे को इस शोर से विचलित होते नहीं देखा, तो ये बच्चों के उसमें आत्मविश्वास और अपनी टीम को जिताना है, इसलिए टीम भावना, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह परिलक्षित हुई है इसमें। और बच्चों ने हर चीज़ का, नाटक के हर पक्ष का, मतलब उसको सेट डिज़ाइन कहें, कॉस्ट्यूम कहें, मेकअप कहें, म्यूज़िक कहें, कविता कहें, डायलॉग्स कहें, माइम कहें, हर चीज़ का उन्होंने इसमें उपयोग किया और बखूबी से किया। ठीक है, किसी ने ज़्यादा अच्छा किया, किसी ने कुछ कम अच्छा किया, लेकिन इन बच्चों ने किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन सब बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। और ये जो भी बच्चे, जिन्होंने भी इसमें भाग लिया, वो बच्चे सच में असाधारण बच्चे हैं और वो आगे जाके बहुत बहुत तरक्की करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सर, आज संगम में अभी रिसेंटली थिएटर का इवेंट खत्म हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव में तो ये कहूँगा कि पहले जो इस तरह के फेस्टिवल होते थे, कल्चर फेस्टिवल जो होते थे अक्सर, वो क्या है कि एक सीमित लोग ही मनाते थे, खेलों के आर्ट फील्ड के लोग मनाते थे यही। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव, घर घर तिरंगा जो कैंपेन चला था, मैं ये देख रहा हूँ आज गाँव का हर एक नागरिक इसको मना रहा है। आज ये बच्चों तक भी आ गया, बच्चों ने काफ़ी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निभाया है इसको। जो मासूमियत के साथ इन्होंने अभिनय किया है, जो नाटक प्रयोग की है, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम को जज कर पाए। फिर हमारे साथ और भी तो क्रांतिकारी है, फिर तू भी क्यों? और मैं चाहता हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ वहाँ कल कोई और खड़ा हो। भाई, ये संघर्ष तब तक चलना चाहिए जब तक हम स्वतंत्रता का सवेरा ना देख ले। तभी खुदीराम और प्रफुल ने दूर से एक बग्घी को आते हुए देखा। बग्घी को देखते ही उन्हें लगा कि जरूर इस बग्घी में रजत सिंह स्पॉट ही होगा। लेकिन उस बग्घी में डगलस किंग्सफोर्ड की जगह एक बैरिस्टर की पत्नी और उसकी बेटी मौजूद थे। इसी घटना के कुछ ही दिन बाद खुदीराम और प्रफुल्ल को गिरफ्तार कर दिया और 13 जून 1908 को खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। दफा 302, दफा 121 के तहत फांसी। All you have to be hanged till death. धन्यवाद पाजी, तुझे खुश कर देता, धन्यवाद। बड़े खुश दिख रहे हो, तुम्हें सजा समझ तो आई है? हाँ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। वक्त नहीं है हमारे पास। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये बताता कि हमने बॉम्ब कैसे बनाया ताकि बाकी क्रांतिकारी इस लड़ाई को कमजोर ना होने दे, ताकि हर घर में बॉम्ब बने जिससे इस बैरी अंग्रेज सरकार को आजादी का शोर सुनाया जा सके।
महज 18 वर्ष की उम्र में अपनी देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को छोड़ा। क्या हमने कभी सोचा है हमारी 18 साल की उम्र हमने अपने देश के लिए क्या किया? हम इस नाटक के जरिए आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि खुदीराम जैसे हमारे देश के अन्य क्रांतिकारियों को हम अपना आदर्श मानें। आज ये दीवार बंदों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो करीब ही आओ लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। वक्त आने दे बता दे कि मुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। थैंक यू। पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सूरवीर रहे थे यार, इससे नहीं होगा। सूरवीर होते हैं। क्या सुन रहा हूँ मैं? पता नहीं यार, नेशनल कॉलेज का कोई भी बंदा उन अंग्रेजों के सामने नाटक नहीं करेगा। नाटक तो होकर ही रहेगा, जो करना है कर ले। अगर ये नाटक हुआ तो स्टेज पर जाकर सबके सामने मार दूंगा, ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं। After this amazing performance, the students of National College are going to perform the play. महाराणा प्रताप की जय हो। शहंशाह अकबर के दरबार से राजा डोडरमल आए हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें सम्मान के साथ भी कर भेजिए। जी हो प्लीज। प्रणाम विराजिए, कहिए कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल? आपके आने का कोई विशेष उद्देश्य होगा? उद्देश्य तो विशेष ही है, संधि प्रस्ताव लाया हूँ। संधि प्रस्ताव? लगता है आपको ज्ञात नहीं कि आपसे पूछ जलाल खान, पप्पन दास और मानसिंह भी संधि प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, जिन्हें मैंने स्वीकार कर दिया। फिर भी बताइए क्या संदेश अपेक्षा है आपके शहंशाह में? परिवार के अधिपति महाराणा प्रताप को हिंदुस्तान के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का सलाम। यह संधि प्रस्ताव मेवाड़ और मुगलों को एक करने के लिए है। हमारा मकसद आपको या मेवाड़ को गुलाम बनाना नहीं है, हम आपसे भाईचारे की उम्मीद रखते हैं। अगर आप हमारे बच्चों के नीचे राज करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने सुबह के राजा बने रहें। मोहम्मद जलालुद्दीन मुझे आपके शहंशाह का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं। अगर वो इतने ही वीर होते तो पहली बार में मुझसे रणभूमि में युद्ध करते। महाराणा प्रताप आपके शौर्य और वीरता की गाथाएं तो सबने सुनी है, लेकिन थोड़ा व्यापारिक होके सोचिए, ना ही आपके पास अकबर जैसी विशाल सेना है और ना ही उनके जैसे हथियार। क्यों ही युद्ध में बातों से नहीं जीता? लगता है आपको ख्याल नहीं कि जब मेरा पूरा राज अजब के शोक में डूबा हुआ था तब आपके शहंशाह ने बर्बाद करा और तब मेरे सेनापति राणा पंगा ने उनसे युद्ध लड़ा और रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। और हाँ, युद्ध हथियारों और सैनिकों से नहीं हौसलों से जीता जाता है। और क्या कीजिए अपने शहंशाह से जब हमारी अगली मुलाकात रणभूमि में ही होगी,
और युद्ध में मेरी तलवार बोलेगी। हर खड़काने वाला सीने में धड़कती है ज्वाला, चेतक सब चल वो पूछ पड़ा, पशूर वीर वो टूट पड़ा। हर 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 महादेव, 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 हर 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 वृंदावन, हर 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 महादेव, ए कलाम जिंदाबाद, हर 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 महादेव, ए कलाम जिंदाबाद। भगत सिंह अपने नाटकों के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया करते थे। जैसे ही यह बात सुखदेव को पता चली तो वह भी मिल गए। भगत सिंह, सुखदेव और बाद में राजगुरु के मिल जाने से भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने एक समूह बनाकर लाला लाजपत जी की मौत का बदला सैंडर्स कुमार कर लिया। उसके बाद असेंबली में बॉम्ब फेंक कर उन्होंने दो नए नारे लगाए, Long live revolution, down with imperialism। बॉम्ब फेंकने के बाद उन्होंने भागने की बजाय अपने आप को जेल के हवाले कर दिया। ये खाना हम नहीं खाएंगे। We want the facilities equivalent to the European prisoners। ये हमारा हक है। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कोई बेगम बनाकर तुम्हें छुड़ा ले जाएगा। लाहौर सेंट्रल जेल है, कोई दिल्ली कानपुर नहीं। अगर मुंह से न खाए तो नाक से मुझे सारा का सारा खाना। मैं भी तो देखता हूँ ये भूख हड़ताल कब तक चलती है। जाता है सब तो खाना नहीं खाओगे ना? खाना नहीं। मेरी पुत्री की मौत से मेरा व्रत नहीं हो सकता, इसलिए मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र न करा लूं, राजसी सुविधाओं को त्याग कर पत्रवाही भोजन लूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये हड़ताल रुकेगी नहीं। ये मत सोचना कि इस एक जतिंद्रनाथ के जाने से ये रुक जाएगा। ये दौड़ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हर हर महादेव, ए कलाम जिंदाबाद। हर हर महादेव, ए कलाम जिंदाबाद। ए कलाम जिंदाबाद। ए कलाम जिंदाबाद। प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। भगत सिंह और इनके साथियों ने दिन दहाड़े असेंबली में बॉम्ब फेंक की वंशा लोगों को मार दी। लगता है इन्हें इंसानों से इश्क नहीं है, इसलिए योना मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। राजचंद, इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दी है जो आग बुझ कर अंधो समान इस रेस में दौड़ते चले आ रहे हैं। आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना हमारा एक काम हमारी इंसानियत के प्रति रुझान को दर्शाता है। हम वो मशाल लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी कबाद पाशा और रजा खान, वॉशिंगटन और गेरीवाली और लफायत के हाथ में थी। हम यह असेंबली कांड करके बतलाना चाहते थे कि एक व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, लेकिन उसके विचारों की नहीं। और साथ ही हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है, बल्कि हमारे लिए इसका अर्थ है बदलाव, चेंज। अगर समय रहते हमारी वर्तमान सभ्यता के ढांचे को बदला नहीं गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, तो अपने आने वाले कल के हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। क्यों हो ये लोग कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं या बात बकवास की चल रही है, और ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? इसलिए यौरव आपसे बकवास करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई करें। Do you wish to speak anything for your defense? हमें कुछ भी मंजूर है। Are you aware of the consequences, like my daughter, of you not speaking anything?
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ही आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। Taking all proofs and witnesses into account, the court gives death sentence punishment to Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and lifetime imprisonment to all others. The court is now adjourned. Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! मौत से मिलने का समय आ ही गया है। साथ ही आए थे और साथ में ही जाएंगे। और वो तुम लोग मौत से भी डर नहीं लगता, मरते समय भी हंसते जा रहे हो। कौन है हम और है आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हम जो पूछे है हम से, बातें यही एक जमाना। गाते हैं हम मत चिल्लाते हैं हम क्यों, बेकार है ये बताना। हमारे लिए है प्रभु घर में रखने का छोटा सा ये एक बहाना। आए हैं हम मत चले जाएंगे भी टिल डेथ, आए हैं हम पर चले जाएंगे भी रह जाएगा ये तराना। कसम है तुम्हें भी हाँ हमारे, तुम भी इन्हें गुन गुनाना, तुम भी इन्हें गुन गुनाना, तुम भी इन्हें गुन गुनाना। बहनों, आज वह समय आ गया है जब हमें ये दिखा देना है कि हमारी कलाइयां सिर्फ नाजुक चूड़ियां पहनने के लिए नहीं है, ये कलाइयां तलवार भी उठा सकती हैं और शत्रुओं का सिर काटकर पाचंडी के चरणों में चढ़ा सकती हैं। रानी मां को हम पर विश्वास है, झांसी को हम पर विश्वास है, हम दोनों के विश्वास पे खरी उतरेंगी और अपनी जान देकर भी झांसी और रानी मां की रक्षा करेंगी। हाँ हाँ, हाँ हम अपनी जान भी देंगे। झांसी की जय, रानी लक्ष्मी बाई की जय। झांसी की जय, रानी लक्ष्मी बाई की जय। साहू जी, युद्ध की क्या खबर है? और रानी जी, हमारे सिपाही देहधातुरी से चंद्र हीरोज की सेना का सामना कर रहे हैं। गुराम गौस का भी तोपों ने अंग्रेज सिपाहियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। वैसे सबसे दिलचस्प खबर यही है कि अंग्रेजों की ओर से हत्थे खाने जोरदार हमला किया था, लेकिन हमारी झलकारी बाई ने 51 तोपे दगवा कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहादुर है वे। जी महारानी जी, वह बेहद बहादुर है। हमने तो अब तक अंग्रेजों को झांसी से बहुत दूर खदेड़ दिया होता, यदि दूल्हा जूदेव हमसे गद्दारी ना करता और उसने अंग्रेजों के लिए उत्तरी दरवाजा ना खोला होता। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती भाऊ साहब, दूल्हा जूदेव को झांसी से अधिक प्यारे वे दो गांव लगे होंगे जिन्हें देने का वादा अंग्रेजों ने उनसे किया है। वैसे झलकारी को पति पूरन कोहरी किस मोर्चे पर है? पूरन कोहरी धनसुमाली के साथ उन्नाव दरवाजे पर डटा हुआ है, वह भी अंग्रेजों के साथ खट्टे कर रहा है। ठीक है भाऊ साहब, अब मेरा घोड़ा कसवाइए, मैं स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करूंगी। लेकिन नहीं भाऊ साहब, रणभूमि मुझे पुकार रही है, मैं अपने साथियों के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करूंगी, आप घोड़ा कसवाइए। महारानी लक्ष्मी बाई की जय। रानी मां, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपका यहाँ से सुरक्षित निकल जाना ही अच्छा होगा। नहीं, मैं अपने साथियों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रानी मां, मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ से चली जाइए, आप सुरक्षित रहेगी तो सिपाहियों के हौसले बने रहेंगे, आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए। जी हाँ महारानी जी, सरकारी ठीक कह रही है, खबर यही है
कि उस फिरंगी हीरोज ने उत्तरी दरवाजा दिया लिया है। वह अपनी सेना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप युवराज को लेकर ग्वालियर की ओर निकलिए, हम आपसे वहीं मिलेंगे। लेकिन लेकिन यूरोप तो बहुत निकट आता जा रहा है, वह महारानी जी को इतनी आसानी से किले से नहीं निकलने देगा। नहीं, वह नहीं रोक सकेगा। लेकिन लेकिन कैसे उसे हम ऐसा करने से रोक सकेंगे? जरा एक मिनट ठहरो। हाँ, अब लग रही हूँ ना मैं महारानी जैसी? हाँ, लेकिन बस अब यूरोज को भी समझ नहीं आएगा कि ये मैं हूँ या रानी लक्ष्मी बाई। वह बेवकूफ फिरंगी मुझे महारानी समझकर मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहेगा और तब तक रानी माँ यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगी। हाँ ये तो है, लेकिन लेकिन झलकारी इसमें तो तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। यूरोज तुम्हें कभी भी मौत के घाट उतार सकता है। मेरे जीवन से कहीं अधिक महारानी के जीवन का मूल्य है। तो रानी माँ, मेरी आपसे गर्वबद्ध प्रार्थना है कि आप यहाँ से चली जाइए। आप सुरक्षित रहेगी तो झांसी सुरक्षित रहेगी। नहीं झलकारी, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे प्राणों की बलि नहीं दे सकती, ये मुझसे नहीं होगा। रानी माँ, मेरा ये तुच्छ जीवन यदि आपके किसी भी काम आ सके तो उससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा। और यदि स्वतंत्रता के इस समर में मुझे संविधान बनकर जल जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं अपनी मृत्यु को भी अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार समझूंगी। रानी माँ, तुम धन्य हो झलकारी, तुम धन्य हो। किंतु महारानी जी, झलकारी ठीक कह रही है। रानी माँ, समय निकला जा रहा है, आप जाइए। विदा झलकारी, मेरी बहन, मेरी सखी, मैं तुम्हें मेरी अंतिम सांसों तक नहीं भूलूंगी। तुम भी महारानी के साथ चलो। नहीं नहीं झलकारी, जो तुम अपने साथ ही रहने दो। मैं अपने मित्र को इस भरे मुश्किल में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। हाँ, वैसे उनकी कोई खबर है? किसकी? पूरन की? हाँ हाँ, पहले धनसु माली के साथ गोलंदाजी कर रहे थे, लेकिन अब कुछ मालूम नहीं। अच्छा तो चलो जल्दी चलकर पता करते हैं। हाँ मगर मैंने तो तुम्हारे महारानी के अभी तक चेहरा भी नहीं देखा। याद रखना पीर अली, यदि मुझे तुम्हारा महारानी जिंदा या मुर्दा नहीं मिला तो तुम्हारा इनाम भी गया, तुम्हारा जान भी। हुजूर, आप चाहे तो मेरी घोर की छुट्टियां बनवा ले। जहां तक महारानी जी का सवाल है, अभी अभी मेरे आदमियों ने मुझे खबर की है कि बहुत तक्षिणी द्वार के पास घोड़े पर सवार लड़ रही है, जल्द ही पकड़ी जाएगी। पूरन खोरी, झलकारी का पति तुम्हारा भी गया है। हुजूर, हुजूर, रानी लक्ष्मी बाई पकड़ी गई। हुजूर, हुजूर, रानी लक्ष्मी बाई पकड़ी गई। हुजूर, रानी लक्ष्मी बाई, महारानी लक्ष्मी बाई, you got arrested, you? अब तो हर मान लो लक्ष्मी बाई, ये युद्ध अभी जीतेगा। महारानी लक्ष्मी बाई ने हार मानना नहीं सिखाए मेजर एलिस। हार लो तुम, मान लो, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। हुजूर, अब तो मेरा भी इनाम पक्का। Get aside, you idiot fool, idiot। मारी तो तुम जाओगी मेरे हाथों से। हार मान लो लक्ष्मी बाई, you bloody idiots, you rascals, you नाली का कीड़ा, you hate you that you made this। What a pleasant surprise! इंजने इंजन को मारा, लक्ष्मी बाई ने पीर अली को मारा।
एक उकारी का अभी और लक्ष्मी बाई भी पकड़ गया। ना तो रानी लक्ष्मी बाई को कभी पकड़ पाया था और ना ही कभी पकड़ पाएगा। मैं सरकारी बाई हूँ। What? लक्ष्मी बाई की सगी सरकारी बाई। I shoot you. Told you. I said I shoot you. इसे तोप से उड़ा दो। इसे खाने में ले जाओ। You'll die. You'll die. तो देखा आप सबने कैसे झलकारी बाई ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर न केवल रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई वरन देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक चिंगारी बनकर सदैव के लिए दरिद्वार हो गई। आइए हम सब मिलकर झलकारी बाई को श्रद्धांजलि देते हैं। रानी की प्रतिकाया थी वो रानी की थी झलकारी हत्या लक्ष्मी बाई सबके लिए पहेली थी सबके लिए पहेली थी सबके लिए पहेली थी। रानी बनकर लड़ी चुरन में वो झलकारी याद करो वीरों की शहादत में झलकारी को याद करो झलकारी को याद करो झलकारी को याद करो। आओ श्रद्धान चढ़ाए वो छवि याद करो वीरों की शहादत में झलकारी को याद करो झलकारी को याद करो झलकारी को याद करो झलकारी को याद करो। विक्रम भैया आप जरा यहाँ पर सफाई का काम देख लो और भाई तू वहाँ किचन में खाने का काम देख ले। ये अंग्रेजों का भरोसा नहीं है कभी भी आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर यहाँ पर सफाई चल रही है वहां से चले जाइए। मेरा रास्ता यही सही है मैं यही सही जाऊंगा। अरे अरे सर देखो तो सही अभी अभी सफाई करी थी फिर से गंदा कर दिया। How dare you? Are you talking about that? I'll kill you! Bloody Indians! Let's go, Virginia. Dinner चालू करते हैं। ये क्या ये हमें खटिया खाना क्यों दे दिया है? तो क्या तुम्हारे लिए 56 भोग लगाएंगे? 56 भोग नहीं कम से कम ढंग का खाना तो दे ही सकते। उन अंग्रेजों को देखो कितना ढंग का खाना खा रहे। मैं तो वही खाना खाऊंगी अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे रुक जा वो उनके लिए वो हमें नहीं देंगे। ये क्या बात हुई वो उनके लिए मैं अभी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी क्यूड यू प्लीज पास दैट ब्रेड एंड सैलेड टू मी। एक्सक्यूज मी This is not for you. This is for us. What do you mean that this is not for us? We all are officers. What do you mean? This food is just for Royal Navy officers. Not for any black dog. Don't call us like that. Mind your language. Hey, you're a black dog. Understood? Let loose. नहीं खाना मुझे ये खाना। क्यों नहीं खाना ये खाना? ये तू पूछ रहा है? तो सुन, इस जहाज पर मशीन से लेके बाथरूम तक सारा काम हम करते, हाथ काले हम हमारे करते। सही तो कह रही है वो अपने लिए अच्छा खाना मांगने में क्या हर्ज है। ए भाई शांति रख इसको चढ़ा मत और अगर खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे। काम करने के लिए मना नहीं किया लेकिन ढंग का खाना तो दे ही सकते हैं ना। मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी अब तो। अरे अरे रुको कहाँ जा रहे हो? सुपर वॉक बाय द वे व्हाई आर दी इंडियंस शाउटिंग Good morning, everyone. Good day. Morning. और भाई रात में नींद आई क्या? तूने कुछ खाया तो था नहीं। तू तो चुप ही रह, मुझसे बात मत कर। ये क्या? ये तो कल रात का ही सड़ा हुआ खाना दे दिया हमें वापस से। तुम्हारे हिस्से का है, तुमने छोड़ा था, तुम खाओगे। रहने दे, कुक, कुक। क्या हुआ है? ये हमें कल रात का सड़ा हुआ खाना क्यों दे दिया?
का बहुत हो गया, अब मैं भी नहीं खा सकता ये खाना। मैं भी नहीं खाऊंगा। और मैंने नहीं खाऊंगा। अभी नहीं खाओगे तो दिन में खाना पड़ेगा, और दिन में नहीं तो रात को, और रात को नहीं तो कल सुबह, पर खाना तो यही होगा। नहीं खाएंगे हम ये खाना। और हाँ सुन लो, कह देना उन गोरी चमड़ी वालों से, जब तक हमका खाना नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे। और रुको, हिंदी तुम्हारी उन अंग्रेजों को समझ आएगी नहीं तो अंग्रेजी में कह देना, नो फूड नो वर्क। हे हू रोट क्विट इंडिया ऑन माय कार? हां मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा, हम सब हमने लिखा। यू ब्लडी इंडियन डॉग। जस्ट बस बहुत हो गया इनका, अब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन क्या करेंगे? स्ट्राइक। स्ट्राइक तो पहले 9 बार भी हुई, क्या परिणाम निकला उसका? इस बार सभी अफसरों को फोन करके बोल दो, जब तक हमका खाना नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे। विक्रम भैया आप रेडियो ब्रॉडकास्ट करके सभी जहाजों में बोल दो, नो फूड नो वर्क। 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 उसी दिन शाम को भारतीय ने अंग्रेजों के सैनिक करने के अंग्रेजों के सारे झंडे उठा कर फेंक दिए, और अंग्रेजों को लेफ्ट हैंड सैल्यूट कर कर उनकी इंसल्ट भी कर। I will kill you, I promise. खान साहब, जवानों ने कुछ गलत तो नहीं मांगा, आखिर अपने लिए अच्छा खाना मांगने में क्या बुराई है? हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या करेंगे जब इन गोरी चमड़ी वालों को कंधे पे बिठा कर रखेंगे तो ये नाचेंगे ही ना? तो उतार कर फेंक दे देखने कंधे से। कैसे? और हाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ये स्ट्राइक अब सिर्फ एचएमआई तलवार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि कोलकाता, कोचीन, मंडपम, विशाखापट्टनम, मद्रास, कई जगह तक फैल चुकी है। और इसी के साथ 78 शिप में से 20,000 से ज्यादा नौसैनिक इसमें शामिल हो चुके हैं। नेवल ऑफिसर्स, कम्युनिस्ट पार्टी, पोर्ट एंड डॉकयार्ड वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, स्टूडेंट यूनियन, अरुण आसिफ अली, सब शामिल हो चुके हैं। यह बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन अब इसे एक संगठित रूप देने की जरूरत है। हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका नाम होगा नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। उसकी यह मांगे होगी, पहली, हमें अंग्रेजों के समान साफ और अच्छा खाना दिया जाएगा। दूसरी, एक समान काम के लिए एक समान तनख्वाह। भारतीय नौसेना के अफसरों को अंग्रेजी अफसरों के बराबर महत्व दिया जाएगा। चलो अब ये सारी मांगे कमिश्नर इन चीफ के सामने रखते हैं। हाँ, चलो। यस मैम, यस मैम, डोंट यू वरी मैम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस मैम, दिस टाइम इज वेरी हार्ड फॉर अस। इंडीड, आई थिंक दैट वी शुड मूव ऑन। व्हाई? व्हाट्स हैपेंड? Don't you know about the strikes on the ships? Yes, but? They have refused to follow our orders. What kind of orders? Strikes रोकने के लिए मैंने इंडियन पुलिस को इंडियन नेवी पर शूट करने को कहा था, लेकिन लेकिन क्या? उन्होंने इंडियंस पर शूट करने को मना कर दिया। How dare they refuse our orders? To anything, but this strike should come to an end at any cost. अगर Indian forces बना कर रही हैं, तो दूसरी nations से हमारी forces को बुलाओ. But this strike should come to an end at any cost. Did you get it? Yes, sir. मैंने श्रीलंका से ships and soldiers बुलवाए हैं, पर क्या? Indians Britishers को left hand salute दे रहे हैं. What? और उन्होंने हमारे flags भी हटा दिए. What? No, 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 no. ऐसा नहीं होना चाहिए था. और साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम वैसे भी कमजोर हो चुके हैं, और इस तरह की मिर्चीनी आगे चलकर एक एग्जांपल बन सकती है जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। इट वाज आई सेड, मैं रायन से बात करता हूँ। यस सर। यस मैम,
I think our time in India has ended. Yes, ma'am. और हमारी इस पार्टी की स्ट्राइक से अंग्रेज काफी हद तक डर चुके थे और अंग्रेजों का ये डर कुछ हद तक लाजमी भी था। 1857 रिवॉल्यूशन में जब भारतीय सैनिकों को मारने के लिए कहा गया तो उन्होंने किया, लेकिन इस बार कराची हिंदुस्तान जहाज पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सख्त मना कर दिया। भूख हड़ताल शुरू होने के 24 घंटे के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ जिसने अपनी मुख्य मांगे अंग्रेजी सरकार के सामने रखी। और आम नौसेना के समर्थन पे लोग सड़कों पर उतर आए और पूरा मुंबई बंद हो चुका था। अंग्रेज सरकार का दिल मिला और अपना बजट था, उसने श्रीलंका से नौसैनिक और जहाज मंगवाए। भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अगर आपके नाम आपके पूरे नाम करते हैं तो आपके जो कमांडर थे वो परंतु ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सरदार की बात मानकर एम एस खान ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा करी, उसके अगले ही दिन अंग्रेजी हुकूमत ने 476 जवानों को बाहर नौकरी से निकालकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। भारतीय नौजवानों की 5 से 5 दिन की हड़ताल ने राजनेताओं और अंग्रेजी हुकूमत की ताकत की जड़ें हिला दी। अगर 1857 रिवॉल्यूशन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था तो 1946 ही ये म्यूटनी लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि इस देश में अब उनकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेके आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेके आग जलनी चाहिए, वो कहीं भी आग लेके आग जलनी चाहिए, वो कहीं कि जो लोग दूसरों के अधीन होते हैं उन्हें सपने में भी सुख नहीं मिलता, और आजादी का सपना देखने वालों को उनका यह सपना सोने नहीं देता। यूं तो राजस्थान की भूमि ने कई वीरांगनाओं को जन्म दिया है, परंतु मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में जिस बालिका ने साहस, गुरु भक्ति और देशभक्ति का ऐसा अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया वो है अमर शहीद वीर बाला काली बाई। भारत ने अभी आजादी का सूरज नहीं देखा था, जो देखा है वो है गुलामी की काली रातें, और इन काली रातों के बीच एक दिन आया 19 जून 1947। इस भील जनजाति बहुल इलाके में अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते अत्याचारों और पाबंदियों के बीच सबसे पहला स्कूल, मंच पर उपस्थित इन दो सज्जनों नाना भाई और सेंगा भाई ने खोला। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को यह हिमाकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और इस स्कूल में कालीबाई साहस और देशभक्ति का पाठ पढ़ रही है। आइए देखते हैं आगे। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते काली बेटा। मास्टर जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। मास्टर जी, ये दरोगा जी हमारा स्कूल भी बंद करवाना चाहते हैं। देखो काली बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा यही बताया है कि भारत माता को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, उससे मुक्त होने का एकमात्र रास्ता शिक्षा का प्रचार और प्रसार है। लेकिन बात तो कहती है कि अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, फिर हम इनसे कैसे जीतेंगे? देखो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। सेंगा भाई जी। और फिर क्यों ने नाना भाई को रात चलते घायल कर दिया है? बहुत जुल्म किया उनके साथ। हो ना हो वह दरोगा अब यहीं आता होगा। मैं तो कहती हूँ अब जल्द से जल्द कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। नहीं काकी, इन अंग्रेजों को जितना जोर लगाने लगा लेने दीजिए,
मैंने भी कसम खाई है, इस देश के लिए लड़ूंगा और स्कूल को बचाऊंगा। सेंगा भाई, लगता है तुम्हें स्कूल प्यारा है, अपनी जान नहीं। सही फरमाया दरोगा जी आपने, और कोई शंका हो तो दूर कर लीजिए। वैसे भी ये स्कूल और ये देश मुझ जैसे हजारों भील समुदाय के लिए माँ के समान पूजनीय है, और हम भारतीय माँ को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। You bloody Indian! जबान लगाता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखता है? Arrest him! ले जा करके जीप के पीछे बांधो, सीते हुए लेके जाओ पुलिस स्टेशन। भारत माता की जय! भारत माता! काकी, वो मास्टर जी को ले गए। मुझे मुझे कुछ मुझे उन्हें बचाना ही होगा। साहसी सबसे बड़ा हथियार है, साहसी सबसे। मास्टर जी कहाँ ले जा रहे हो मेरे मास्टर जी को? बात क्यों रखा है ने? लड़की सामने से हट जा वरना मारी जाएगी। दरोगा जी, हम हिंदुस्तानी मरने से नहीं डरते, और बात जो देशभक्ति और हमारे ईश्वर समान गुरु जी की हो तो मारने में भी पीछे नहीं हटते। लड़की ये बंदूक देख फिर बात कर। बंदूक की जरूरत तुम जैसे नायक को होगी। मेरा साहसी मेरा हथियार है, अब आगे बढ़िए, मैं तैयार हूँ। ये गाली जान दे देगी, पीछे नहीं हटेगी। जिसे आने वाले
सबका या किसी और को भी यहाँ भाषण देना है? रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, सब खाली चमड़ी वालों को केवल तमाशा करना आता है ना? Keep one thing in your mind and make it very, very clear. कि तुम सब गुलाम ही भेजा हुआ है और गुलाम ही मरेगा। तुम सब की किस्मत में केवल गुलामी। आप बोलो और किसे चाहिए आजादी? और किसको चाहिए आजादी? तुम्हें, तुम्हें या तुमको? मुझे चाहिए आजादी। मुझे भी। मुझे, मुझे, हमें चाहिए। मुझे, मुझे, हमें, हमें, हमें सबको चाहिए आजादी। परंतु इसकी कीमत वही जान सकता है जिसने गुलामी का दर्द सहा। गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतवासियों की दशा कुछ ऐसी थी जैसे कि स्वर्ण सलाखों के पीछे जकड़े पक्षी की। उन्हीं गुलामी की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने का बीड़ा हमारे देश के वीरों ने लिया। आज हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीर देशभक्तों से। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। भगत सिंह। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आएगा। सुखदेव। मेरी जिंदगी मेरी सरहद के काम आए, काश मेरी जान मेरे वतन के काम आए। राजगुरु। ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश हमारा भी नाम आए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ ऐसी ही आवाजें गूंज रही थी आज से कुछ 87 साल पहले, 17 सितंबर 1929 के दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु सभी देशवासियों और क्रांतिकारियों के लिए एक दुखद घटना थी। उनकी दी गई आजादी की अलग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा क्रांतिकारियों ने ली। उस समय की अंग्रेज सरकार भारतीयों के लिए बहरी बन चुकी थी। उन्हीं बहरों को सुनाने के लिए एक विस्फोट की योजना तैयार की गई। आइए उस ऐतिहासिक पल जिसने भारत में क्रांति को नई दिशा प्रदान की उसे जीवंत करते हुए आजादी की कीमत को जानने की कोशिश करते हैं। भैया, भैया, क्या हुआ, क्यों इतना घबराए हो? भैया सुना है एक बिल पास कर रही है। बिल? कैसा बिल? इस बिल के दो उद्देश्य हैं। पहला, अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए संदिग्ध को हिरासत में रख सकती है, और दूसरा, फिर दूसरा, मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को समाप्त करना। तो इन अंग्रेजों ने एक तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों को दमन और शोषण करने की नई नीति बनाई है, पर इन्हें ये नहीं मालूम हम भारत माँ के सपूत हैं, और ये चाहे लाख कोशिश कर ले तब भी हमारा एक ही मकसद रहेगा, आजादी, आजादी, आजादी। भैया तुम जाओ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी बुलाओ। उस समय सभी लोगों ने एकत्रित हो
वह योजना बनाई जिसने अंग्रेजों के पैर भारतीय सरजमीं से उखाड़ दिए। भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त आते हैं। अभी अभी सुना है अंग्रेज सरकार काउंसिल हॉल में एक बिल पास कर रही है जिसका उद्देश्य भारतीयों और क्रांतिकारियों का दमन और शोषण है। हमें उसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम असेंबली हॉल में बम फोड़ सकते हैं। हाँ, असेंबली हॉल में बम फोड़कर हम अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं और उन गोरों को ये बता सकते हैं कि वे ज्यादा समय तक हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। हाँ, परंतु हमारे इस बम फेंकने का उद्देश्य जान हानि न होकर सिर्फ बहरों तक हमारी आवाज पहुँचाना है। मगर साथियों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता अगर हम काउंसिल हॉल में बम फेंकेंगे तो हमारे साथियों को वहाँ से भागना भी होगा? अगर हम वहाँ से भाग गए तो जनता तक हमारी आवाज नहीं पहुँचेगी। इस आंदोलन को गुप्त आंदोलन बनाने से बेहतर है इसे जनता का आंदोलन बनाया जाए। लोगों में क्रांति की इस लहर को बढ़ाना होगा और देश में इस मशाल को जगाना होगा। क्योंकि ये सुझाव मेरा था इसलिए बम फेंकने में और बटुकेश्वर दत्त जाएंगे और इस योजना को अंजाम देंगे और साथ ही कुछ पर्चियां भी फेंकी जाएंगी जिसमें हमारी मांगे होंगी। क्यों, हम तो चले केसरी रंग में रंगने। कभी तो वो दिन भी आएगा, ये अपनी जमीन होगी, वो अपना आसमान होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब एक बड़ी क्रांति होगी। समय आ गया है इस क्रांति को अंजाम देने का। एक बड़ी क्रांति होगी। जन जन में आजादी की लहर दौड़ उठेगी। हमारे वजूद को हम मिटने नहीं देंगे, हमारे वजूद को हम मिटने नहीं देंगे, हमारी भारत माँ का सर हम झुकने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसी नारे के साथ असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। तय समय पर असेंबली में बम फेंका गया और साथ ही क्रांतिकारियों के द्वारा अपनी मांगे लिखी कुछ पर्चियां भी। बम फेंकने के बाद अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो वीर क्रांतिकारी जिनके बारे में सुनकर और सोचकर ही आज हमारा हृदय भाव विभोर हो जाता है। इस घटना के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सांडर्स वध का मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे ने समूचे विश्व का ध्यान भारत की आजादी की ओर खींच लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु यह फांसी की सजा उन्हें किसी अदालत में नहीं बल्कि जेल में सुनाई गई। यह तो बड़ी खुशी की बात है। What? इसमें खुशी की क्या बात है? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो लोग नए ड्रीम डिजाइन करते हैं, आदमी लोग उन नए ड्रीम को पूरा करने की ट्राई करते हैं। आज ड्रीम तो मैं बचपन में देख लिया सी। ये मिट्टी देख रहे हैं आप? ये मिट्टी, इसे तुम अपना ड्रीम कहते हो? हाँ, यह कोई मामूली मिट्टी नहीं है, यह जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है, इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि ये मुझे मेरे सपने, मेरे वजूद, मेरे मकसद की याद दिलाती रहती है जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक फांसी से इस देश को आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तब्दीले पलटी कौमों की, मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। उसके बाद मैं कोई पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी
जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं सिर्फ 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच ही बड़ा हुआ हो आपने सोच भी कैसे लिया कि वो आपकी सरकार को माफीनामा लिखेगा? कल सुबह 7:30 बजे क्या समय सुना है कोर्ट ने तुम्हारी फांसी का? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उत्पत्ति, इस मिट्टी से भी खुशबूए वतन आएगी। इन क्रांतिकारियों को फांसी लगाने के लिए अगले दिन सुबह का इंतजार नहीं किया गया और रात में ही उन्हें फांसी लगा दी गई। Well, Mr. Jainer, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries embrace death with pleasure for the sake of their supreme idol. Your last wish, Ramkrishna, hai tumhari? Hamari do ichhaye hain. Pehli, ki hum tino gale milna chahte hain. Aur dusri, jab hame phansi di jaye, to hamare muh par kaale kapde na daale jaye, taki sabko pata chale कि भारत माँ के वीर सपूत मौत से भी नहीं डरते हैं। अच्छा है। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम्। चलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब की जय, भारत माता की जय। और कुछ? और तुम कौन से आए हो बेटा? मेरा नाम सुलेमान है, मैं मुल्तान से आया हूँ। मैं सावले नागपुर से। छूना नहीं, तुम्हारे हाथों में वो ताब नहीं जो मुझे छू सके। खबरदार हाथ मत लगाना मुझे। शेर अपने घर पहुंच गया है, अपनी मर्जी से घर में घुसेगा। दूर ही रहना चाहिए शेर से, कुत्तों को। कितनी बार उखेड़ोगे? दूध पीकर आना नहीं तो फंस जाओगे। जब तक तुम्हें फांसी घर ना पहुंचा दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं लगाते ये फांसी। आजादी के किसी सिपाही को नासूर में बदल कर उसके पूरे जिस्म को रेशा रेशा करने
छोड़ देते हैं क्योंकि ये जानते हैं हमारी आंखों में एक ख्वाब तैरता है मुल्क की आजादी का ये ख्वाब मौत को उनसे दूर ही रखता है चाहे ये कुत्ते हमारी बोटी बोटी नोच कर खा जाए इसीलिए ये हमको ज्यादा से ज्यादा सताते हैं इनके भीतर का शैतान खुश होता है जिससे फांसी पर चढ़ाकर नहीं मिल पाएगी इनको ये खुशी मेरे साथियों मेरी प्रार्थना है आपसे होंठ सी लो सर झुका लो कोठरी से बाहर आने का सिर्फ यही एक रास्ता है कुछ ऐसा ही करना चाहिए हम सबको जिससे बाहर जाकर हमारे ही ख्वाब पूरा हो सके नहीं जो जो तकलीफ सहते हैं हम हौसले बुलंद होते जाते हैं इनके यही एक वजह है गुलामी की राह जो इतनी लंबी हुई साथियों हम कोठरी के भीतर भी शेर की तरह रहेंगे जो भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाएगा पिंजरे में खींच कर फाड़ कर खा जाएंगे उसे क्या ये डोर कैरी यहाँ से भागता है सरकार ये थोड़ी देर ही कहती है सरकार अभी क्या टाइम हुआ है सरकार अभी शाम का 5:15 बजा है इस वक्त कैरी कहाँ होना चाहिए अब अपनी पैरक की सरकार ये यहाँ क्या करता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ हम तुमसे पूछता है रहम सरकार रहम तुम पॉलिटिकल प्रिंसेस को आपस में मिलने देता है नहीं भाई बाप नहीं आप मेरा सर कलम करवा दीजिए मगर मेरी वफादारी पर शक मत कीजिए ये लोग क्या कर रहा है ऐसे ये लोग आपसे माफी की गुजारिश कर रहे हैं सरकार मगर तुमको अपनी वफादारी का सबूत देना है इनको मारना है बेहोश होने तक हुजूर ये लोग कई बार बेहोश होने तक मारे भी जा चुके हैं एक बार और बेहोश करो तुम्हारा प्रैक्टिस होता है चलो बाहर निकलो चलो सुना नहीं तुमने देश की किसी काम नहीं आऊंगा अगर घर भी जाऊं तो मारो मुझे मारो भारत माता की बेवकूफ हम इसको जिंदा रखकर वो दहशत पैदा कर सकता है मारकर कभी नहीं कर सकता आइंदा ध्यान रखना इस पर तुम्हारा प्रमोशन डिपेंड करता है एनीवेज क्या ये हिंदू था जी सरकार इसको हटाओ जलाने का इंतजाम करो चलो अपनी अपनी बैरक में बुलंदी को संवारा है फरिश्ते तुम वतन के हो तुम्हें सजदा हमारा है फरिश्ते तुम वतन के हो तुम्हें सजदा हमारा है अरे भाई सुनो क्या तुम वहां गए थे जहां बाबा की चिता को आग दिखाई गई बोलते क्यों नहीं क्या बोलूं कोई अधिकारी नहीं था वहां भंडार से लकड़ियां भी नहीं दी गई हुक्म हुआ लाश को समंदर में फेंक दो
चूहे साफ कर देंगे। मैं गिड़गिड़ाया, मैंने कहा बाबा मेरे दूर के रिश्तेदार थे, कुछ रियायत हुई। अफसर ने कहा चाहो तो जला सकते हो, लकड़ियों का इंतजाम खुद कर लो। दौड़ता दौड़ता बैरक में आया, कैदियों के पास जा जा कर लकड़ियां खरीदी जितनी उठा सकता था। फिर पहुंचा वहां जहां लाश पहुंचाई गई, सब जा चुके थे वहां से, अकेला मैं था और लाश थी। लाश को लकड़ियों पर रख दिया और फिर आग लगा दी। उस बाबा की राख दो हमें, हम उससे अपना तिलक करेंगे। लाश आधी जली थी और लकड़ियां खत्म हो गई, तभी समंदर गरजा, एक बड़ी लहर आई, लाश को लकड़ियों समेत समेट ले गई अपनी गोद में। कोई निशान तक बाकी नहीं रहा, मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ। जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। इनके खाने का टाइम हो गया, खाना दो इनको, खाना खाओ। अब अभी नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? अभी हमारे सामने एक बेगुनाह रात चार आदमी का कत्ल हुआ है, तो हम कैसे खा सकते हैं? हमारी बात से इंकलाब का भू आना है। ऐसी बात नहीं है सरकार। बात यही है, जब हम अभी खाना खाएंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी। You rascal, तुम्हें अपना उल्टी किया खाना भी आना होगा। दोनों अपना खाना उठाओ, बाहर आओ। Hey you, कूड़े की कोठी से पकाने का पॉट बाहर ला, जल्दी आओ। खाना नीचे रखो और बैठ जाओ, पकाने का पॉट नीचे रखो, इसके साथ खाओ। I said खाओ। सुना नहीं तुमने? खाओ, खाना खाओ। हमारी बातों से इतना जीतू नहीं, आग निकल रही है। देश का बच्चा बच्चा क्या करेगा? देश का बच्चा बच्चा बहुत नहीं बनेगा। कसम खाई थी कि भारत माता के चरणों में हम एक साथ शहीद होंगे। हे भारत माता, मेरे और मेरे दोस्त की कुर्बानी स्वीकार करना। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।
ये सारे बच्चे, इनके टीचर्स और ऑफकोर्स संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा विषय चुना जिसमें इन स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, जो जितने बच्चे थे, उन्होंने रिसर्च किया, ढूंढा, खोज की और उन तथ्यों को कैसे अच्छी तरीके से पेश करें इसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया। ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। सारे बच्चे फर्स्ट हैं, सारे बच्चे फर्स्ट हैं कि एक एक बच्चे ने अपने मन से इस बड़े यज्ञ में हिस्सा लिया। इमेजिन कर रही है ये, वो इसके कुछ कुछ ऐसे डायलॉग्स भी ऐसे थे कि आज हम व्हाट्सएप और उसके ऊपर समय बिता रहे, बर्बाद कर रहे हैं। उस समय के नौजवानों ने क्या क्या सोचा होगा, किस माटी के बने थे। अरे माटी तो हमारे भी वही है, उसी माटी में हमने जन्म लिया है, लेकिन वो जज्बा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उस जज्बे को जगाने में इन बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। मैं इन सभी बच्चों को सैल्यूट करता हूँ दिल से। ये सारी चीजें इनमें आई, और सबसे बड़ी चीज है संजीदगी। अगर हम अपने बच्चों को संजीदा बना रहे हैं तो सच में भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि यही बच्चे आगे जाकर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे हर क्षेत्र में। मैं तो देखते हुए एक अलग ही मर्म जुड़ गया बच्चों से, तो बच्चों के बारे में क्या बात करूं, इतने प्यारे बच्चे, हर एक गलती को मासूमियत से छुपा रहे हैं। कमाल की नाटक प्रस्तुतियां, मैं तो कहूंगा नाटक प्रयोग। सर प्रस्तुतियां होती है, प्रयोग ही नहीं कहूंगा, क्योंकि नाटक हमेशा प्रयोग ही होता है। मैम नाटक को प्रयोग ही कहते हैं, क्यों? क्योंकि क्योंकि हर रोज हर समय हमारे दिमाग में कई सारे विचार जन्म लेते रहते हैं। क्या होता है जब स्टेज पे है तो पता नहीं को एक्टर है वो, कुछ कभी प्रॉपर क्यू नहीं मिलता है, कभी उसका अपना दिमाग में कोई विचार आ जाता है तो प्रॉपर बात नहीं हो पाती है उस वक्त, तो बातें बिगड़ सकती है। तो एक प्रैक्टिकली कर रहे हो जो पॉजिटिव वे में भी जा सकता है, नेगेटिव वे में भी जा सकता है। सर नाटक करने के साथ 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 में बैठने वाले जो बच्चे जो बातों को समझ कर तालियां बजा रहे थे वो भी सर बहुत आगे जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा। खैर बैठे बैठे एक जैसे बीच बीच में जगह मिल रही थी, मैंने कविता लिखी है इन बच्चों के लिए कि मेरे अर्ध सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ किसी न किसी एक्टिविटी में, कभी पेंटिंग में, कभी क्या। इस बार ज़्यादा अच्छा लगा कि नाटक में, हालांकि मैं नाटक का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लिखने का शौक है और लिखता रहता हूँ। कॉल आया था कि आप कर सकते हैं अच्छा सा, और विलास सर और कुणाल सर दोनों इस फील्ड से जुड़े हैं तो मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई कि दो अच्छे जज हैं, तो मैंने नाटक को ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने कहा वो दोनों देख लेंगे, मुझे जो जैसा भी लगा, क्योंकि मैं कई बीच में कई बार घोसा गया था, फिर मुझे याद आया नहीं मैं जज हूँ, क्योंकि नाटक इतना अच्छा कर रहे थे बच्चे और वाकई मज़ा आ रहा था। अच्छा सब्जेक्ट था, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और रही बात कॉम्पिटिशन की, तो ये तो भाग लेना सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसने भाग लिया तो उसको प्राइज मिल ही गया, मैं तो ये मानता हूँ उसके लिए अवार्ड हो गया। उसके बाद भी कुछ तो बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की, कुछ बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे, जो एक नाटक होना चाहिए था वो बिल्कुल यहाँ पर लग रहा था। मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा संगम परिवार का, मैम का और सर दोनों पधारे, मुझसे सीनियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ।